देखो रील्स की शूटिंग होती है कैसे होती है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं इवनिंग वॉक पे लेके आया हूँ टाइगर को नानक मत्ता। और नानक मत्ता आज हम डैम के दूसरे साइड को घूम रहे हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से टाइगर का कोई वीडियो नहीं आया। एक्चुअली एक रीज़न था, पहले आप ये वाला वीडियो देखें, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस कारण से चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे। तो गाइज आपने वीडियो देखा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था। मैं टाइगर को मॉर्निंग वॉक से लेके आया था, और जैसे ही मॉर्निंग वॉक से मैं टाइगर को लेके आया तो उसका एक फ्रेंड है लैब्राडोर, ये इसको मिल गया। और जो ये लैब्राडोर है इसकी एज काफ़ी कम है, 9-10 साल का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो जैसे ही इसने टाइगर को देखा, टाइगर के साथ खेलने के लिए गया, और टाइगर के लेफ्ट आँख में, लेफ्ट वाली जो आई है इसकी, उस पर पता नहीं क्या हुआ, इसका कोई नाखून लग गया, पैर लग गया, पता नहीं क्या हुआ, ये रेड पड़ गई। तो पहले दिन तो जब मैंने देखा इसे, उसके बाद क्या हुआ, मैं घर चला गया, मैंने टाइगर को नहलाया। मैंने नहलाया तो देखा कि टाइगर की आंख रेड हुई, तो मुझे लगा हो सकता है साबुन घुस गया हो, शैम्पू चला गया हो, कुछ ऐसा हो गया होगा उसकी वजह से हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद मैं सितारगंज चला गया, तो जब 2-3 दिन तक वो आँख सही नहीं हुई, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने, यहाँ सितारगंज में कुछ खास तो है नहीं वेट कोई, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको दिखाया। उसने कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए 3 दिन, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। उसके बाद फिर मैं टाइगर को बरेली ले गया, बरेली वेट शॉप में, तो वहाँ मैंने टाइगर को दिखाया, तो उसने पूरा चेकअप किया। एक वेट शॉप है अपनी बरेली में, जहाँ पर IVR है, उसके पास पे आकाश वेट, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो उन्होंने रात के, जब मैं यहाँ से गया लगभग 8-9 बजे के आसपास, ऑफिस कंप्लीट होने के बाद, फिर रात में 9 बजे के आसपास उन्होंने टाइगर को देखा और चेक किया, और बोले यार इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खाली चोट लगी है। तो उसके बाद फिर कुछ उन्होंने आई ड्रॉप्स और कुछ टैबलेट्स वगैरह लिख ली, वो मैंने कंटिन्यूस दी टाइगर को। अभी इसकी आँख अभी कम्प्लीटली सही है, ऐसी अब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पहले भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आँख इसकी रेड हो रही थी। टाइगर ऐसा कोई इचिंग वगैरह या कोई दिक्कत वगैरह नहीं थी इसको, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली दोनों आईज इसकी सही हो गई हैं। लेफ्ट वाली आई थी इसकी, वो रेड हो रही थी, पूरी रेड हो गई थी। तो मैं पहले परेशान हो गया कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि यार किस वजह से हुई है, क्या हुआ है करके। लेकिन फिर जब वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार इसको चोट लगी है, तब मुझे ध्यान आया कि हाँ वो लैब्राडोर के साथ खेलने में। और आप देख सकते हैं कि लैब्राडोर से जब मिला था, अगर वीडियो आप ध्यान से देखें पीछे जाके, तो लैब्राडोर इसको लेफ्ट साइड से मिला था, और लेफ्ट साइड की आईज जो है इसकी, वो उस पर चोट लगी हुई है, वो रेड हुई है। तो मैं समझ गया मैं कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस, यही एक रीज़न था जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियो वगैरह नहीं आ रहे थे। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूस वीडियो बनाऊँ। टाइगर राजा कम, आज संडे का दिन है, आज हमने काफ़ी वॉक कर ली है, आज ऑलमोस्ट हमने 5-6 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। सुबह मैंने 4 किए थे, अभी हमने 1-1.5 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो मज़ा आ रहा है। शाम को घर पर वैसे भी बैठे बोर ही हो रहे थे। ये देखो आप, ये लोकेशन कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस, ये देखो मज़ा आ जाता है इधर पे आके। अभी हम और आगे जाएंगे। लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, तो हम लोग भी देखने लगे कि चल क्या रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।